യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आजादी का और एक एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज से जो एपिसोड्स हम आपको दिखाएगा उस एपिसोड्स में कुछ खासियतें, पिछले मई महीने में मुंबई में अपने हार्वेस्ट लिनान मिशन चर्च में हम 7 दिन का उपवास और प्रार्थना रखा था। उस उपवास प्रार्थना में खास करके हम भारत कलेशिया के अंदर प्रभु ने एक जागृति बेचने के लिए प्रार्थना किया। साथ में हम सिखाया लोगों को जागृति सचमुच में क्या है, जागृति के निशानों क्या है और जागृति से कलेशिया के अंदर उत्पन्न होने वाला फलों क्या है, इसका बारे में हम बहुत सौ प्रार्थना में सिखाया था। हमें इसे लगा ये सिर्फ अपने बुम्बे कलेशिया के लिए नहीं है मगर पूरा मसीह मंडली के लिए आशीषदायक है, इसलिए इस जो वचनों इस टीवी माध्यम का द्वारा अपना सारे दर्शकों के पास पहुंचाएगा तो वो अच्छा है, आशीषदायक है, इसलिए हम उसी वचनों को आगे आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ में इस जो एपिसोड्स आपने देख लीजिए, जरूर बहुत बड़ा आशीष बहुत बड़ा जागृति आपका दिल के अंदर फूलाने वाला है। सचमुच में जागृति क्या मतलब क्या है, हम जानते पूरा मसीह मंडली जागृति के लिए इस दिनों में प्रार्थना कर रहे, एक जेन्युइन रिवाइवल, एक सच्चाई का एक सचमुच जागृति प्रभु बेचने के लिए पूरा मसीह मंडली दुनिया का हर कलेशियम इस दिनों में प्रार्थना कर रहे। सही में जागृति का मतलब क्या है, जागृति सिर्फ एक कलेशिय के अंदर शुरू होने वाला चिन्ह और चमत्कारों अद्भुत कामों नहीं है, उससे बढ़कर जागृति का और भी मतलब हम होते हैं। मैं आपको एक कह के देना चाहता हूं, जब एक कलीसिया के अंदर एक जागृति प्रकट हो जाएगा जरूर उस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का कामों भी शुरू होने वाला है, जरूर उस कलीसिया के अंदर चिन्ह और चमत्कारों प्रकट होने वाला है। वो सिर्फ जागृति का कुछ निशानों में वो जागृति नहीं है, उससे बढ़कर जागृति का मतलब है। इस दिनों में आने वाले एपिसोड में जरूर हम उस बातों को सीखने के लिए जा रहे हो। जागृति क्या है करके समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत पहले ही बता के देना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैंने कलकत्ता में विक्टोरिया पैलेस देखने के लिए गया। उस समय उस जो विक्टोरिया पैलेस का पीछे बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा वाटिका होते, बगीचा होते, उस जो गार्डन में मेरा नजर एक वृक्ष का ऊपर गिरा। उस वृक्ष का हालात ऐसे था उसका पूरे पत्तों मुरझ गया था, दूर से देखेगा तो हमें ऐसे लगेगा ये वृक्ष तो एकदम सूख गया वृक्ष है, एक भी हरा पत्ता उस वृक्ष में है नहीं है। गया साल मैंने वापस विक्टोरिया पैलेस गया, मेरा मन के अंदर ऐसे की इच्छा आया 2 साल पहले मैंने जिस वृक्ष को देखा उसका हालात क्या है देखने के लिए, उस जो महल का पीछे जो बगीचा है उधर जाके देखा उस वृक्ष का हालात क्या है। मुझे एकदम आश्चर्य लगा, जहां सूख गया एक वृक्ष खड़ा था उसी जगह में अभी उसी वृक्ष पूरा हरा भरा होके खड़ा है, उसका पूरा हरियाली वापस लौट आया है। मेरा प्यारे सिसो मैं आपको बोल के देना चाहता हूं यही ये जागृति, एक सूख गया वृक्ष जब मौसम बदलेगा, जब पानी का गंध उसमें आएगा, जब बारिश बरसाएगा उस समय उसका खो गया हरियाली वापस लौटाने वाला अवस्था वो ये जागृति। मेरा कहने का मतलब मेरा प्यारा सिसो, जब पवित्र आत्मा का मेघ वापस कलीसिय के ऊपर बरसेगा अपना सूख गया आत्मिक अवस्था बदलेगा और वापस अपना जिंदगी में हरियाली, वापस अपना जिंदगी में आत्मिक शक्ति आत्मिक बल वापस हम पाने वाला है। जैसे भजन संहिता 72 में लिखा वैसे ही जो काटा हुआ घास ऐसे समझ लो जल के पूरा खत्म हो गया कुछ जमीन में, एक भी हरा पत्ता हम देख नहीं पाओगे वैसे जमीन में, जब पहले बारिश आएगा वापस नए पत्तों उपजाने वाला वैसे ही
हरियाली वापस आने वाला है, वैसे ही प्रभु ने सूख गया आत्मिक अवस्थाओं को वापस लौटाने वाला है वो, ये एक अच्छा एक जेन्युइन रिवाइवल। इस दिनों में हम प्रार्थना करना चाहिए प्रभु अपना कलीसियों के बीच में एक अच्छे एक सही जागृति को इस दिनों में आप भेज दीजिए प्रभु जी, जो सूख गई अवस्थाओं को बदलने वाला वापस पवित्र आत्मा का हरियाली व्यक्तियों के ऊपर परिवारों के ऊपर कलीसिया के ऊपर उत्पन्न होने वाला एक अच्छा जागृति को वापस कलीसिया में भेज दीजिए प्रभु जी, वैसे हम जरूर प्रार्थना करना चाहिए। आयुब का किताब उसका 14वां अध्याय का 7 से हम पढ़ेगा तो उधर भी इस बातों को इसे लिखा के दिया है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नम्र डालियों निगलती ही रहेंगी। क्या लिखा है इस वचन में, एक वृक्ष को एक आशा है। क्या आशा है? मुरझ गया, काट डाला, निकाल दिया तो भी जब बारिश उस पर बरसेगा वापस बैठने का एक आशा एक वृक्ष के लिए है। उसका आगे का भागों में ऐसे लिखा है, चाहे उस वृक्ष का जड़ भूमि में पुरानी भी हो गया और उसका पूरा जड़ सूख गया मिट्टी में मिल गया तो भी जब बारिश बरसेगा, जब जल का गंध, उसका 9वां आयत में इसे लिखा है, तो भी जल की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। जब जल का गंध वापस आएगा वो जो सूख गया काट गया वृक्ष में वापस नया पत्तों नया डालियों वापस फूटने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब पानी का गंध, पानी का मतलब आप ऐसे समझ लो पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा का मेघ है कलीसिया के ऊपर बरसेगा जो सूख गया अवस्था निकल जाएगा, शायद काटा हुआ वृक्ष का जैसे होगा, जड़ भी भूमि में सूखा होकर मिट गया होगा, लेकिन जब पानी का गंध आएगा उस वृक्ष को वापस हरियाली आते, वैसे कलीसिया को भी प्रभु जी वापस हरियाली में ला सकते। परमेश्वर का आत्मा का उसी कार्य को हम जागृति बुला पाओगा। जब जागृति आएगा कलीसिया का स्थिति बदलेगा, कलीसिया का अवस्था बदलेगा, सूख गया अवस्था वो बदल के हरियाली वापस कलीसिया में उत्पन्न होने वाला है। आत्मिक मजबूती आत्मिक बल वापस कलीसिया में उत्पन्न होने वाला है, आत्मिक बढ़ोतरी लोगों के अंदर होने वाला है, आत्मिक बल लोगों के अंदर होने वाला है। सचमुच में आत्मिक बल क्या है? सचमुच में आत्मिक बढ़ोतरी क्या है? हम हमेशा कहते हैं यीशु में बैठना चाहिए। यीशु में बैठने का मतलब क्या है? कुछ लोगों का सोच ऐसे, यीशु में बैठने का मतलब अभी आम विश्वासी था, साधारण विश्वासी था, धीरे धीरे बैठ के अभी सेवक बन गया, चिन्ह और चमत्कारों करना शुरू किया, अपना द्वारा कुछ वरदानों में इस्तेमाल होना शुरू किया, यही आत्मिक बढ़ोतरी। मैं आपको बोल के देना चाहता हूं उससे बढ़कर आत्मिक बढ़ोतरी का और भी मतलब है। जब एक व्यक्ति आत्मिक बढ़ोतरी पाएगा जरूर उन्हें सेवकाई में बटने वाला, लेकिन सिर्फ वो नहीं आत्मिक बढ़ोतरी। इसका मतलब आत्मिक बल का मतलब क्या है? आत्मिक बल का मतलब, आत्मिक सामर्थ्य का मतलब, आत्मिक बढ़ोतरी का मतलब होते हम परखे का जांचेगा कौन सा सही है कौन सा बुरा है, कौन सा वजन का अनुसार है कौन सा वजन का अनुसार नहीं है, कौन परमेश्वर का सच्चा दास है कौन झूठे उपदेशों में बताने वाला है। ये बात जिस व्यक्ति आत्मिक बल पाया उसी व्यक्ति परख पाऊंगा जांच पाऊंगा। तो जागृति का मतलब ये भी है कलीसिया आत्मिक बल पाऊंगा, कलीसिया आत्मिक मजबूती पाऊंगा और कलीसिया झूठे भविष्यद्वक्ताओं को गलत उपदेशों को परख कर जांच कर उससे दूर होने वाला है, यही आत्मिक बल। तो एक कलीसिया में जागृति प्रकट हो जाएगा जरूर, उस कलीसिया अच्छे और बुरे के भेद, अच्छे सही उपदेश खरे उपदेश और झूठा उपदेश का भेद समझना चाहिए, आत्मिक बढ़ोतरी कलीसिया और कलीसिया का विश्वासियों पाने वाला है। सिर्फ उतना नहीं है जागृति, जहां हम जागृति उत्पन्न होते उस जगह में पवित्र आत्मा दे रो में एक बहुत बड़ा एकता उत्पन्न हो जाएगा, एक बड़ा यूनिटी कलीसिया के अंदर, मसीह मंडली के अंदर बहुत बड़ा एक यूनिटी उत्पन्न होने वाला है। सुख के अवस्थाओं को बदल कर प्रभु ने बहुत बड़ा एक यूनिटी लाने वाला है। उदाहरण बोलेगा तो एहज़कियेल का किताब 37वां अध्याय में इसे लिखा है, प्रभु ने एहज़कियेल को हड्डियों से बड़ा हुआ तराई में लिखे गया और उनसे पूछा, क्या मनुष्य का संतान इस हड्डियों जीवित होने वाला है? क्या हो गया मालूम है? एज़कियेल ने बोला, प्रभु आप जानते हैं। एज़कियेल प्रभु का आज्ञा का पालन करना शुरू किया,
उस हड्डियों में जान आई, वो तितर फितर होके पड़ा था उस हड्डियों में, परमेश्वर का सेना बन गया। मैं बोलना चाहता हूँ जहां भी जागृति उत्पन्न होते उस जगह में हड्डी हड्डियों से एक बनने वाला है, तितर फितर होके पढ़ाए कलीसिया एक बनने वाला है, कलीसिया में पवित्र आत्मा का जान आने वाला है और उसी कलीसिया परमेश्वर का एक सेना बनने वाला है। आने वाले दिनों में अपने 7 दिन का उपवास प्रार्थना में दिया वो वजन इसी वजन का आधार में था, एजकील 37वां अध्याय का आधार में कुछ बातों में आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ। आगे का वचन कृपा करके प्रार्थना के साथ में आप सुनिए, आपका और आपका कलीसिया में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा जागृति का शुरुआत जरूर इस वचन का द्वारा देने वाला है। एसकेल का किताब 37 37वां अध्याय बहुत खास एक अध्याय है, एक भविष्यवाणी है। उसके साथ में हम सबका आत्मिक जिंदगी से प्रभु ने इस जो भविष्यवाणी से काफी अगुवाई, काफी बातों करने के लिए रखा हुआ एक वचन है। काफी बार इस वचन से हम सुना भी है। एहस्केल को प्रभु ने हड्डियों से भरा हुआ एक तराई में लेके गया। वचन में इसे लिखा है, यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। उस तराई कैसे था? हड्डियों से बड़ी हुई तराई था। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियों थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियों जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। प्रभु का आत्मा का शक्ति जब एजकियल के ऊपर आया, प्रभु का शक्ति उतराया मतलब प्रभु का हाथ उनके ऊपर उतराया। शुरुआत में ही बोल के देना चाहता हूं, हमें भी अच्छे सेवकाई करना चाहते तो अच्छे विजन्स, अच्छे दर्शन जो बाकी लोग देख नहीं पाओगे वैसे कुछ चीज देखना चाहते तो प्रभु का हाथ अपने ऊपर भी उतराना जरूरी है, प्रभु का सामर्थ अपने ऊपर भी उतराना जरूरी है। इसलिए इसे प्रार्थना करो, प्रभु जी इस दिनों में आपका सामर्थ मेरे ऊपर उतराना चाहिए। जब प्रभु का हाथ उतराएगा क्या हो गया? उसकेल को जहां वो बैठा था उधर से दूसरा जगह प्रभु ने लेके गया और हड्डियों से भरा हुआ तराई को दिखाया। पूरा तराई में हड्डियों भरा हुआ है और हड्डियों कैसे? हड्डियों में सूखे सूखे हड्डियों, कुछ उम्मीद नहीं है, कुछ आशा नहीं है, ये हड्डियों कभी भी जीने वाला नहीं है और तितर फितर होके पड़ाए वैसे हड्डियों से भरा हुआ एक तराई में लेके गया। प्रभु ने एजकियल से पूछा, क्या एजकियल ये हड्डियों जीवित होने वाला है? उन्होंने कहा, प्रभु आप जानते हैं। परमेश्वर दास को प्रभु ने बोला, तुम इस हड्डियों को देखे इसे बात करो, भविष्यवाणी दे दो, तेरा जबान में अधिकार है, तुम तेरा जबान इस्तेमाल करके बात करेगा। प्रभु ने इस सूखे हड्डियों को जिलाने वाला है, तितर फितर होकर पड़ाई सूखे हड्डियों को प्रभु ने वापस जान देने वाला है। मैं आज बोलना चाहता हूं शायद मसीह मंडली की अवस्था ऐसे होगा, पूरे सूखे हड्डियों से भरा हुआ तराई जैसे। मसीह मंडली का अवस्था ऐसे होगा, कुछ जान नहीं है, कुछ जीवन नहीं है, कुछ आत्मिक बल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का दास को प्रभु ने क्या बोला? तुम इस हड्डियों को देखे क्या करो? भविष्यवाणी बोलना शुरू करो, ना तो मेरा वजन दे दो। जब हड्डियों को देखे प्रभु का वजन बोलना शुरू करेगा, उस हड्डियों का ऊपर मांस आने वाला है, उस हड्डियों के ऊपर नसों उपजाने वाला है, उस हड्डियों के ऊपर चमड़े उत्पन्न होने वाला है। कहने का मतलब क्या है? एकदम सूख गया मसीह मंडली को देखे हमें क्या करना है? हमें प्रभु का वजन उसको सिखाना है। जब प्रभु का वजन उनको देगा, जहां जान नहीं है, जहां सूख गया, उस अवस्था बदलेगा। आज का जमान में काफी कलीसियों एकदम सूख गया हड्डियों जैसे, तितर फितर होके पड़ाए। तितर फितर होके पड़ाए उसका मतलब क्या है? कोई यूनिटी है नहीं।
भाइयों का बीच में, कलीसिया का लोगों का बीच में, परिवार का बीच में कुछ यूनिटी है नहीं, कुछ एकता है नहीं, तितर फितर होकर पड़ाए और हड्डी सारे हड्डियों में सुखाए, आत्मिक जान है नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ है नहीं। चंगाई छुटकारा होते होगा वो बात अलग है, लेकिन विश्वासियों में कुछ आत्मिक बल है नहीं। विश्वासियों कमजोर विश्वासियों में प्रभु का दास को प्रभु ने क्या कहा, इस अवस्था को बदलने के लिए तुम उनको वजन देना पड़ेगा, तेरा जिम्मेदारी है, तुम्हें मैंने अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? सुखे होके पड़ा इस हड्डियों को वजन देने का अधिकार मैंने दिया है। तुम जब वजन देगा, तुम जब ये सुखे हड्डियों को देख के जिलाने वाला वजन देगा, ये हड्डियों में मांस आने वाला है। कोई भी कलीसिया में वजन का प्रचार अच्छा रीति में होते, प्रभु का वजन, सच्चाई का वजन, खरे वजन का प्रचार होते, उस कलीसिया का विश्वासियों हड्डी बन के बैठेगा नहीं, उस कलीसिया का विश्वासियों मजबूत होके नसों उसमें होगा, मांस और लहू और चमड़े सब होके एकदम अच्छा मजबूत विश्वासियों उस कलीसिया में रहेगा। और जिस कलीसिया में वजन कम बताते, उस कलीसिया का विश्वासियों हड्डी हड्डी होके तितर फितर होके पड़ा रहेगा। काफी कलीसियों में एकता का कमी का कारण क्या है मालूम है? क्योंकि प्रभु का वचन का प्रचार उधर होता नहीं है। काफी कलीसियों में डिविशन क्यों होते मालूम है? जो अच्छे वचन लोगों को सिखाता नहीं, इसलिए। काफी कलीसियों में विश्वासियों कमजोर क्यों होते? क्योंकि अच्छा वचन का सेवकाई उस कलीसियों में प्रकट होता नहीं, इसलिए। आज सुबह का समय प्रोकात्मा हम सबको बोल रहे वचन का सेवकाई का बहुत खास स्थान है एक आराधना में। लोगों को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन उसको बताना पड़ेगा। एसकेल को प्रभु ने बोला तुम मेरा वचन उसको बताओ, इस हड्डियों को देखे क्या करो, वचन बताओ। एसकेल को प्रभु ने बोला तेरा जवान में अधिकार है, तुम जो बोल रहे हो होने वाला है। आप जो सब्जेक्ट आपका कलीसिया में प्रचार करेगा, आपका कलीसिया भी वैसे बनने वाला है। हमेशा पास्टर कौन सा सब्जेक्ट कलीसिया में बताते, कलीसिया भी वैसे ही बनने वाला है। अगर हमेशा एक पास्टर खड़ा होके कष्ट मुसीबतों के बारे में कलीसिया में प्रचार करेगा तो उस कलीसिया में बहुत सारा कष्ट मुसीबत शुरू होने वाला है। पास्टर उसी कलीसिया में हमेशा आर्थिक बढ़ोतरी के बारे में प्रचार करेगा तो लोगों को आशीष बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसी पास्टर उस कलीसिया में पवित्र आत्मा के कामों के बारे में हमेशा प्रचार करते तो उस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के कामों शुरू होने वाला है। तो जो हम प्रचार करते वही अपना कलीसिया, हमेशा जो बातों हम कलीसिया में बताते वही अपना कलीसिया। क्यों? क्योंकि हम जो सिखा रहे उसी रीति में कलीसिया तैयार हो जाएगा। पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के कामों के बारे में जब आप कलीसिया के अंदर बताएगा, लोग भी तैयार हो जाएगा पवित्र आत्मा को पाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अभिषेक के साथ में आराधना करने के लिए, आत्मिक जिंदगी बढ़ाने के लिए लोग भी तैयार हो जाएगा। अभी एसकेल को क्या बोल के दिया है? एसकेल को बोले एसकेल तेरा जबान में तुम जो बोलेगा वो होने वाला है, इसलिए इस हड्डियों को देख के तुम क्या करो, भविष्यवाणी दे दो। इस हड्डियों को देखे मेरा वजन दे दो। एसकेल ने हड्डियों को देखे वजन देना शुरू किया। 37वां अध्याय में एसकेल का किताब 37वां अध्याय में ऐसे लिखा है, जैसे इन्होंने वजन देना शुरू किया, भविष्यवाणी करना शुरू किया, तभी एक बहुत बड़ा भूकंप जैसे आवाज आया, एक आहट आई और भूटोल हुआ और वे हड्डियों इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुट गई। एक बड़ा भूकंप जैसे का आवाज, एक बड़ा तूफान जैसे का आवाज। क्या हो रहा इधर? प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में हम देख पाओगे पवित्र आत्मा जब उतरा आया बहुत बड़ा तूफान जैसे उतरा आया, लोगों को लगा बहुत बड़ा भूकंप हो रहे। वैसे ही जब परमेश्वर का दास ने वजन देना शुरू किया, क्या वजन दिया? हे सुखे हड्डियों मेरा वजन सुनो, तुम में जान आने वाला है
अभी तुम सुखाए, अभी तुम कमजोर है, अभी तुम कमजोर विश्वासियों में, लेकिन प्रभु का योजना तुम्हें जिलाने का योजना है, प्रभु का योजना तुम पर एक जागृति भेजने का योजना है। सचमुच में उधर क्या हो गया, सुख के हड्डियों से भरा हुआ उस तराई में एक जागृति शुरू हो गया, एक भूकंप जैसे, एक तूफान जैसे प्रभु का पवित्र आत्मा उधर उतराया। हड्डी हड्डी तितर फितर होके पड़ा था, हड्डी हड्डी हो एक साथ इकट्ठा हो गया और हड्डी बराबर हड्डी के साथ में जोड़ गया। धन्यवाद यीशु। आज का जमाने में भी कलीसियों में सही वजन अच्छे रीति में प्रचार करेगा तो प्रभु ने अपना कलीसियों के अंदर जागृति भेजने वाला है। अपना जमाने में सबसे बड़ा एक जागृति हो गया अमेरिका में पेंसाकोला स्टेट में, ब्रॉन्सविल एजी चर्च में 1995 से लेकर कुछ 11 साल तक बहुत बड़ा जागृति हो गया। उन्होंने उस जागृति के लिए स्टीव हिल करके एक पास्टर को इस्तेमाल किया। उस कलीसिया का पास्टर का नाम था पास्टर जॉन किल पैट्रिक। उस जो जागृति सब होने के बाद में काफी लोग उस जागृति के बारे में एक पुस्तक लिखा, उसमें से एक पुस्तक है पोर्टल इन पेंसाकोला। उस पुस्तक मेरे पास है। जैसे मैंने पहले बार उस पुस्तक पढ़ा, मैं आपको एक सच बोलना चाहता हूं, ओएम में एक बुक फेयर चल रहा था, ओएम बुक्स में, और जुना सब पुस्तकों को लोग इकट्ठा करके बेच रहे था, पुस्तक का भाव बहुत कम करके। मैंने ये पुस्तक देखा उधर, पोर्टल इन पेंसाकोला। मुझे मालूम पड़ा रिवाइवल के बारे में कुछ लिखा हुआ पुस्तक है और मुझे बहुत पसंद एक सब्जेक्ट है रिवाइवल, जागृति। मैं कोई भी पुस्तकशाला में जाएगा तो जागृति के बारे में लिखा हुआ पुस्तकों करेगा खरीदेगा, क्योंकि मेरे मन के अंदर का बहुत बड़ा एक आशा है मसीह मंडली के अंदर एक भूकंप जैसे, एक तूफान जैसे प्रोगात्मा काम करने वाले एक जागृति होना चाहिए और हम सभी लोग उसका इंतजार में। तो इस पुस्तक का कंटेंट कुछ जागृति के बारे में करके मुझे समझ में आया और इस पुस्तक का भाव दाम था 90 रुपया, लेकिन कोई खरीदा नहीं, इसीलिए वो लोग 10 रुपये में बेचते था। देखो 90 रुपये का पुस्तक लोग क्या कर रहे, 10 रुपये में बेच रहे, क्यों? क्योंकि कोई उस पुस्तक खरीदा नहीं। मैंने सोचा था कि 10 रुपये ना कुछ ज्यादा भाव नहीं है, ये खरीद के घर पे लाया। मैंने जैसे घर में पहुंचा उस पुस्तक पढ़ना शुरू किया, मेरा कोट में मेरा बेड में बैठ के मैं पुस्तक पढ़ना शुरू किया। 10 रुपये का पुस्तक कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए सस्ता में बेच दी। 10 रुपये का पुस्तक मेरा कोट का पास, मैंने घुटना टेक के बोला, प्रभु इस पुस्तक में लिखा वो उसी जागृति मेरा जिंदगी में भी मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे, उस पुस्तक से मैंने क्या पढ़ा मालूम है, रीनी डिलोरिया करके एक स्त्री ने उस पुस्तक लिखा है। काफी लोग जाके उस पास्टर को पूछा, पास्टर इतना बड़ा जागृति आपका कलीसिया में कैसे उत्पन्न हो गया? उस कलीसिया 20-25 हजार लोग बैठ सकते, उतना बड़ा हॉल है। और उतना बड़ा हॉल जब उस जो पास्टर बनाया, उस पास्टर के पास कितने लोग था मालूम है? 100 से ज्यादा लोग नहीं था, मैक्सिमम 100 पीपल। जब उनके कलीसिया में 100 लोग था, प्रभु ने पास्टर जॉन किल पैट्रिक को बोला, ऐसे कलीसिया बनाओ 20-25 हजार लोग बैठ पाऊंगा। इन्होंने क्या किया मालूम है, पैसा सब इकट्ठा करके, फंड रेसिंग सब करके 20-25 हजार लोग बैठने वाले एक बड़ा कलीसिया बनाया, बड़ा चर्च बिल्डिंग बनाया। और इतना 25,000 लोग बैठने वाला जगह में 100 लोग बैठेगा तो कैसे लगेगा? एकदम आगे का दो एक रो में कहना कुछ लोग बैठ के आराधना कर रहे, दुनिया सब बोले तो ये पास्टर पागल है, इतना बड़ा चर्च का क्या जरूरत था? लेकिन उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया और 95 में जैसे जागृति शुरू हो गया, 6 महीने के अंदर इस पूरा कलीसिया बढ़ गया। सिर्फ उतना नहीं है, फिर कलीसिया के अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, वैसा स्थिति हो गया। फिर इसके लिए क्या किया, चर्च के बाहर बड़े बड़े स्क्रीन लगाना शुरू किया, अंदर जो हो रहे उसका वीडियो दिखाने के लिए क्लोजर सर्क्यूट टीवी स्क्रीन लगाना शुरू किया। और ऐसी स्थिति हो गया, हर दिन प्रार्थना, एवरी डे प्रेयर, 11 साल एवरी डे प्रेयर था।
ऐसे एक दिन भी बीच में क्या हो गया, नहीं छुट्टी नहीं देते था। कंटिन्यूअस प्रेयर 11 साल 2006 तक, हालेलुया। उसका बारे में बोलते जागृति, सुबह मॉर्निंग 4 o'clock लोग आएगा क्यों में रहते। और कुछ लोग के ना अमेरिका में सिस्टम है, छोटा टेंट बनाएगा चर्च के बाहर रात को बिताने के लिए। प्रेयर मीटिंग में आए भाई बहनों, जैसे 10 बजे दरवाजा खोलेगा लोग चर्च के अंदर भाग के पहुंचेगा आगे का सीट पकड़ने के लिए। और ये पास्टर को काफी लोग पूछा, ऐसे जागृति कैसे आपका कलीसिया में हुआ। इस जो रीनी, इस जो सिस्टर ने क्या लिखा मालूम है, इस सिस्टर ने लिखा, माय पास्टर ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स अ सीक्रेट। हालेलुया। उन्होंने कभी भी परमेश्वर का वचन का बारे में समझो हृदय का साथ में प्रचार किया नहीं, हमेशा वो पाप का विरुद्ध में बात करते था, इसलिए जागृति उत्पन्न हो गया। उस जागृति के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया व्यक्ति है पास्टर स्टीव हिल। एक इंटरव्यू उनके साथ में मैंने देखा, उनको पूछा इतने बड़े जागृति के लिए प्रभु ने क्यों आपको इस्तेमाल किया, दुनिया का देशों का कलीसियों में जागृति होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस पास्टर ने क्या बोला मालूम है, स्टीव हिल ने, उन्होंने कहा हे नौजवानों, जाके आपका पास्टर को बोलो पाप का विरुद्ध में बात करो, दैट इज द सीक्रेट ऑफ रिवाइवल। Youngsters, go to your pastor and say, preach against sin. जहां वचन बताते, जहां पाप का विरुद्ध में बात होते, उस जगह प्रभु का आत्मा उतर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है अपना शुद्धिकरण परमेश्वर का इच्छा है। अपना शुद्धिकरण, दैट्स अ विल ऑफ गॉड, अपना शुद्धिकरण परमेश्वर का इच्छा है। इसीलिए जहां हम शुद्धिकरण का बारे में, जहां पाप का विरुद्ध में प्रभु का वचन देते, उस जगह प्रभु का आत्मा उतर आएगा। प्रभु ने तितर फितर हो गए हड्डियों को एक साथ लाकर इस दिनों में भारत कलीसिया के अंदर एक जागृति भेजने वाला है। भारत कलीसिया को प्रभु ने जो सुख गए हड्डियों जैसे पढ़ाए, हम हर व्यक्तियों को प्रभु ने एक बनाकर एकता के साथ में इस दिनों में इस्तेमाल करने वाला है। आइए उस वजन का सामने हम नम्र करेगा, हम प्रार्थना करेगा, प्रभु आत्मा हम सबका जिंदगी में बड़े कार्यों करने के लिए प्रार्थना करेगा। मेरे प्यारे शिष्यों, में बोल के देना चाहता हूँ, अगले हफ्ते इस वजन का बाकी भागों हम सुनने वाला है। और सिर्फ अगले हफ्ते नहीं है, आने वाला कुछ एपिसोड्स में हम इस जो 7 दिन बोस प्रार्थना में दिया हुआ एक एक दिन का एक एक सेशन का वजन हम आपको देने वाला है। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा आज का वजन का सामने नम्र हो। प्रभु जी हमें नम्र करते, हमें समर्पण करते, अपना सुख गया अवस्थाओं को बदल कर आपने एक कथा में लाने वाला, अपने कलीसियों को एक कथा में लाने वाले, इसके लिए हम धन्यवाद देते। वचन सुनो हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, हर व्यक्तियों की इसी वक्त अपने छू लो प्रभु, उनके शरीर में आत्मा में प्राण में चंगाई छुटकारा आशीषों इसी वक्त प्रकट करने दीजिए। प्रभु जी आपका अद्भुत काम के लिए उन्हें तैयारी कर दीजिए, वैसे हुआ इसके लिए धन्यवाद देते हैं।